ओम श्री हरि। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 62 और 63 का पाठ करेंगे। इन दोनों ही पदों में तुलसीदास जी ने भगवान श्री विष्णु के बिंदु माधव रूप की आराधना की है। आइए पद संख्या 62 आरंभ करते हैं। इहै परम फलु परम बढ़ाई न शिखर उचेर बिंदु माधव छवि निरखाही नयन अघाई। विशद किशोर पीन सुंदर बपु श्याम सुरुचि अधिकाई। नील कंज बारिद तमाल मनि इन तनु ते दुति पाई। मृदुल चरण शोभ चिन्ह पदज नख अति अभूत उपमाई। अरुण नील पाथोज प्रसव जनु मनुजित दल समुदाय। जात रूप मनि जटत मनोहर नूप जन सुखदाय। जनु हर उर हरि विविध रूप धरि रैवर भवन बनाय। रटत रटत चारु किंकी नीरव अनुपम भरनी न जाय। हिम जलज काल काल तमाध्य जनु मधुकार मुखार सुहाय। और विशाल भृगु चरण चारुवति सुचत कोमलताय। कंकन चारु विविध भूषण विधि रचनिज कर मन लाय। गजमणि माल बीच भ्राजत कही जाति न पदक निकाय। जुन उड़गन मंडल बारिद पर नवग्रह रचिया थाय। भुजग भोग भुज दंड कंज दर चक्र गदा बनियाई। सुभासीव ग्रीव चिबुकाधर बदन अमित छवि छाय। कुलस कुंद कुड मल दामिनी दुति दसनन देखिल जाय। नसानयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भ्रूमोहि भाई। कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहौं समुझाई। अलपताड़ित जुग रेख इंदु मह रहित जी चंचलताय। निर्मल पीत दुकूल अनूपम उपमाहियन समाय। महिमनि च्युत गिरि नील शिखर पर कनक बसन रुचिराय। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताय। हिमलता जनु तरु तमाल ढिग नील निचूल उढ़ाय। सत सारदा शेष श्रुति मेल कह शोभा कही न सिराय। तुलसीदास मति मंद द्वंदरत कहे कौन विधि गाय। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से शिख तक शोभा देखें। जिनके निर्मल किशोर या 16 वर्ष के पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है। ऐसा जान पड़ता है मानो नीलकमल श्याम मेघ तमाल और नीलमणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र अंकुशादि शुभ चिन्ह हैं, अंगुलियों और नखों की ऐसी अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्नयुक्त पत्तों का समूह निकला हो। सोने के रत्न जड़ित नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं। मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों।
कमर में जो तगड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में ब्रह्मों का सुहावना शब्द गुंजार हो रहा हो। विशाल वक्षस्थल में भृगुमुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के अनेक गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गजमुक्ताओं की माला के बीच रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मालूम नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। भाव यह है कि नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल गजमुक्ताओं की माला है, उनके बीच बीच में स्थान स्थान पर पिरोए हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है। सबके शरीर सदृश भुजदंडों में कमल शंख चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है। दांतों की ओर देखकर हीरे कुंदकलियाँ और बिजली की चमक लजाती है। नासिका नेत्र कपोल सुंदर कानों में कुंडल और भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सिर पर घुंघराले बाल हैं, उन पर मुकुट पहने हैं, बाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हों। शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं। फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं, वह ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सैकड़ों सरस्वती शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला है राग द्वेष आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंदबुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। आइए अब पद संख्या 63 आरंभ करते हैं। मनित नैया तन को परम फलु सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि तज स्वभाव अवलोक एक पलु तरुण अरुण अम्भोज चरण मृदु नगदुति हृदय ति मेरु हारी कुल सकेतु जव जल जरेख भर अंकुश मन गज बस कारी कनक जटित मनि नूपुर मेखल कटट रटत मधुर बानी विबली उदर गंभीर नाभिसर जय उपजे विरंच ज्ञानी उर्वन माल पतिक वति शोभित विप्रचरण चित कह कर शय श्याम ताम रस दाम बरन बपु पीत बसन शोभा भरषय कर कंकन के यूर मनोहर देति मोद मुद्रिक न्यारी कदा कंजदर चारु चक्रधर नाग सुंड सम भुज चारी अम्बु ग्रीव छवि सीव चिबक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा नव राजीव नयन ससियानन सेवक सुखद विसदुहासा रुचिर कपोल श्रवण कुंडल सिर मुकुट सुतिलक भाल भ्राजय ललित भ्रकुट सुंदर चितवन कच निरख मधुप अवलीलाजय रूप सील गुण खान दक्ष दिशि सिंधु सुतारत पद सेवा जकी कृपा कटाक्ष चहत सेव विधि मुनि मनुज धनुज देवा तुलसीदास भव त्रास मिटै तब जब मति ये ही सरूपट कै नाहित दीन मलीन हीन सुख कोटि जनम भ्रामि भ्रामि भटकै। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नख से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर। जिनके कोमल चरण नए खिले हुए लाल कमल के समान हैं, नखों की ज्योति हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को हरने वाली है, जिन चरणों में वज्र ध्वजा जौ
और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को वश में करने वाला है। पैरों में सोने के रत्न जड़ित नुपुर और कमर में तगड़ी मधुर स्वर से बज रही है। पेट पर तीन रेखाएं पड़ी हैं। नाभि सरोवर के समान गहरी है जहाँ से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। हृदय पर वनमाला और उसके बीच में मणियों की चौकी अत्यंत शोभायमान है। रघु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींचे लेता है। नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है, ईश्वर पीताम्बर मानो शोभा की वर्षा ही कर रहा है। हाथों में मनोहर कंकण और बाजूबंद हैं। अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है। हाथी की सूंड सदृश विशाल चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। शंख के समान ग्रीवा सुंदरता की सीमा है। सुंदर ठोड़ी दांत लाल होठ और नुकीली नासिका है। नवीन कमल के सदृश नेत्र चंद्रमा के समान मुखमंडल और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है। सुंदर कपोल कानों में कुंडल मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक शोभित हो रहा है। सुंदर कटीली भौहें और मनोहर चितवन है और जिनके काले केशों को देखकर भौरों की पंक्ति भी लज्जित हो रही है। रूपशील और गुणों की खान सिंधुसुता श्री लक्ष्मी जी दक्षिण भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं। उनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मा मुनि मनुष्य दैत्य और देवता भी चाहते हैं। तुलसीदास का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि इस सुंदर छवि में अटक जाए, नहीं तो यह दीन मलिन और सुखहीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा। जय श्री राम।